AD is perpendicular to BC if AB is equal to अच्छा क्वेश्चन है ये वाला सी यू हैव अ ट्रायंगल एबीसी व्हिच इज लाइक अ रेक्टेंगल एट ए ऐसा कुछ ट्रायंगल आपको दे रखा है ना सो इट इज लाइक अ रेक्टेंगल एट ए एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी सो हियर यू हैव एडी व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बीसी इफ एडी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर So AB is equal to 5 cm and AC is equal to 12 cm. Find the area of triangle ABC and also the length of AD. Okay. So area of triangle ABC निकालना है आपको. Yes. Asthitful, can you tell me the answer? Asthitful is there? कौन सा क्वेश्चन है मैम मैं बताऊं क्या मैम मे आई टेल मैम कैन आई टेल मैम कौन सा क्वेश्चन है बेटा 7th क्वेश्चन है मैम मे आई आंसर दिस क्वेश्चन मैम मे आई आंसर दिस क्वेश्चन मैम मे आई टेल हां यस बताओ बेटा मैम मे आई टेल AD इज इक्वल टू 60/13 मैम ट्रायंगल एबीसी की बोल मैम आप एबीसी की बात कर रहे हो ना अभी ओके अंशिका आंसर बताओ यस मैम आंसर बताओ बेटा बेस क्या है मैम योर स्क्रीन इज ब्लर सो आई कांट सी क्लियरली आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी मैम शी इज सेइंग द स्क्रीन इज ब्लर नेटवर्क प्रॉब्लम है मैम मेरे भी स्क्रीन थोड़ी ब्लर आ रही है शायद मेरा भी नेटवर्क प्रॉब्लम है थर्टी सेंटीमीटर स्क्वायर ओके सो दैट इज एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एंड नाउ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ एडी आल्सो इस एडी की लेंथ बतानी है आपको तो कुछ और बीसी भी दे रखी है क्या बीसी दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में हाँ बीसी 13 दे रखा है सो एरिया आपने निकाल लिया है कितना है आपका 30 है So it is equal to AD half into AD multiplied by AD. So AD is equal to 30 divided by 30. 30. Okay. Is it clear? Okay. Ma'am, ट्रायंगल एडीसी का निकाल रहे हो ओके मैम सो नाउ कम्स टू द लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज ट्रायंगल isosceles with
सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हाफ इनटू बीसी इनटू एडी. हाँ, बेस इनटू आरडी. तो तुझे बोल रहे थे कि बीसी इनटू एडी. तो इट इज इक्वल टू हाफ इनटू सिक्स इनटू नाइन. ठीक है. 27 सेंटीमीटर स्क्वायर. 27 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. ओके. व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम सी टू एबी? फ्रॉम 7.2 सेंटीमीटर. 7.2 सेंटीमीटर. 7.2 सेंटीमीटर. 7.2 सेंटीमीटर. 7.2 सेंटीमीटर. सो अगेन 7.2 सेंटीमीटर. हाफ half into base into height. So base kya hai aapka? AB into AC hai na? So isko kya naam diya hai? EC. Okay. 27 into 2. So CE is equal to area kitna hai aapka? 27 into 2 divided by AB is how much? 7.5. मैम को सेकंड ट्रायंगल वाला समझ में नहीं आया. कौन सा बेटा? मैम वो जैसे आपने एरिया ऑफ एबीसी के नीचे वाला है ना, वो वाला समझ में नहीं आया. मैं पूरा ही समझा देती हूँ एक बार बेटा. देखो, आप जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हो ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. ठीक है. लेकिन हम जो बेस लेते हैं उसी के करस्पॉन्डिंग जो परपेंडिकुलर होता है उस बेस के ऊपर जो हाइट होती है, जो एल्टीट्यूड होता है, उसी की लेंथ लेते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट टाइम हमने क्या करा, बिकॉज यू कैन हैव थ्री एल्टीट्यूड्स इन दिस टाइम, है ना. सो हियर यू विल फाइंड दैट अगर हमें सारी क्वांटिटीज इसमें दे देते हैं, उसी से हम एरिया निकाल सकते हैं. सो हियर ऑन द बेस बीसी, द लेंथ ऑफ बेस बीसी इज 9. मैम वीडियो फ्रीज हो गई. कुछ नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉब्लम लग रहा है. आदित्य कुमार, तू अभी सो के उठा था क्या? क्या हुआ मैम? तो एल्टीट्यूड दिख रहा था क्या? मैम वॉइस एंड स्क्रीन इज फ्रीज. तो मैं एल्टीट्यूड दिख रहा था क्या? बात का रास्ता हार्ड भी गया. मैम छोड़ के चले गए अभी क्लास. मैम लीव कर, रीजॉइन करेंगे मैम अभी. वैसे भी क्लास तो का टाइम तो हो ही गया था. ओ आदित्य कुमार, मैंने बस उतना ही बोला था, ज्यादा बोल मत. तेरा मैं रोस्ट कर दूंगा अभी, चिकन बना के खा.
मैम वापस से ज्वाइन कर लीजिए अभी माइक म्यूट कर ले प्लीज अब आदित्य से बोल म्यूट करने के लिए मैम रिजॉइन नहीं करेंगी क्या अभी टाइम करेंगे अभी टाइम ही ओवर हो गया मुझे नहीं पता लफ्ट कर दे क्या क्लास वाला क्लास लफ्ट कर दे कर लो जिसकी मर्जी है यार पर अगर मैम चले गई तो रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है और भाई दिमाग पलक ने पहली बार दिमाग लगा दिया नहीं भूत कर रहा है भूत मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैम एल्टीट्यूड बहुत लाइट था हाँ यार मेरे को भी नहीं समझ में आया था लाइट था बहुत ज्यादा इट्स अब तो सारी ऑटोमेटिक तो करने वाला भी तो होता ना कोई पागल पहले बात तो हैप्पी क्रिसमस नहीं मैरी क्रिसमस होता कुछ भी बोल सकते हैं शायद मैम ज्वाइन नहीं कर रहे तो रक्षाबंधन के दिन में यही बोल दो अरे अरे रक्षाबंधन के दिन में ये बोल दो हैप्पी भाई दूज कुछ भी बोल सकते हो तो वाह भाई बोलने तो पहले बताया पास होता करो रक्षा बंधन हो गया वो भास्कर मेरी आवाज आ रही थी क्या मेरी कौन से रूम के कोने से बोल रहा है आवाज आ रही हाँ बोलना नहीं चुप हो जा अबे नहीं आ रही है ना टॉयलेट से बोल रहा हूँ तेरे घर में है भी क्या मेरे घर में तो भाई हुआ क्या अरे मैम चली गई लेफ्ट कर गई पता नहीं हाँ उन रिजॉइन भी नहीं बीच में फ्रीज स्क्रीन फ्रीज हो गई थी ना हाँ तुम्हारे घर में लाइट आ रही है हाँ आ रही है सबके घर में आ रही है हाँ आ रही है हमारे ब्लॉक में नहीं आ रही भाई हमारे ब्लॉक में नहीं आ रही हमारी थोड़ी लग रही है थोड़ी चल रही अरे विधान हमने विधान फिर तेरा ये क्लास कैसे चल रही है ऑनलाइन हो रही है अरे मोबाइल तो चल रहा होगा और हमने विधान तेरे विधान हमने तेरे ब्लॉक के इलेक्ट्रिकल वायर थोड़ी काटे जो हमसे पूछ रहा है हैप्पी न्यू ईयर एंड मैरी क्रिसमस इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू STY मतलब सेम टू यू हो गई अब क्लास खत्म भाई माही तू अपना माइक ठीक करवा ले यार तेरे को समझ में नहीं आता क्या बोलता है मैम आ गई 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 मैम कितनी देर से रुके हुए